खबर है पानीपत की। प्रदेश में गुरुग्राम के बाद सबसे अधिक टैक्स देने वाले टेक्सटाइल नगरी का घरेलू बाजार 90 से घटकर 45,000 करोड़ रुपए सीमित हो गया है। पानीपत का स्थानीय घरेलू बाजार बीते 2 साल से नुकसान झेल रहा है। कंबल एवं टेक्सटाइल उद्यमियों ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ करार कर लिया और खरीदार भी ई कॉमर्स कंपनियों से ही माल खरीद रहा है। नतीजा, पानीपत में टेक्सटाइल और कंबल की दुकान खोल कर बैठा थोक व्यापारी नुकसान झेल रहा है। ऐसे में कंबल की मार्केट 15,000 करोड़ से घटकर 5,000 करोड़, बेडशीट की मार्केट 8,000 करोड़ से घटकर 3,000 करोड़ पर आ गई है। बीते 2 साल में बड़े टेक्सटाइल और कंबल के उद्यमियों ने बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की, करार कर ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद के सैंपल और डिजाइन दिए। दूसरा, उद्यमियों को ई कॉमर्स कंपनियों से स्थानीय कारोबारियों को माल बेचने से अधिक मुनाफा मिला। ये मुनाफा करीब 2 गुना हो गया। सर्दी आने वाली है, इसके साथ ही पानीपत में मिंक कंबल की खरीदारी के लिए दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान का खरीदार आने लगा था, लेकिन इस बार हालत उलट है। कोरोना के साथ किसान आंदोलन ने भी इन खरीदारों को रोक दिया। ई कॉमर्स कंपनियां ही उन्हें उत्पाद उनके शहर में उपलब्ध करा रही हैं। यही कारण है कि पानीपत की घरेलू कंबल मार्केट आधी रह गई है।